श्रीकाल दोस्तों, पंजाबी मीनियर थोड़ा एक बार फिर बहुत स्वागत है। अपनी पंजाबी इंडस्ट्री दिन ब दिन ग्रो कर रही है, जिवें ही अपनी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, आपां नूं नवें ते टैलेंटेड फेसिस देखने नूं मिलते ने। अज असीं तुहाडी मुलाकात एक अजिही नवी टैलेंटेड एक्ट्रेस नाल करवाण जा रहे हैं, जो एक फिल्म ऑलरेडी कर चुके ने ते अज ओह पंजाबी मीनिया दे स्टूडियो च आए हुए ने। रिशिता मोंगा जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है पंजाबी मीनिया दे स्टूडियो। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल जी। रिशिता जी, तुसीं एक फिल्म कर चुके हो ऑलरेडी, तुसीं दर्शकां नूं पहलां आपदे बारे थोड़ा कुछ दसो। सब तो पहला तो मैं दिल्ली तो हाँ, एंड दिस इज माई सेकेंड प्रोजेक्ट। आई हैव डन लॉट ऑफ वर्क इन बॉम्बे एंड दिल्ली। तुसी कोई एक फिल्म की थी, ओदे बारे केड़ी फिल्म की? हाँ जी, मेरी पहली फिल्म याराना बहारा टू, एंड इट्स बीन लाइक अ वाइल, एक साल हो गया है। हाँ जी। तुसी आपकी निजी जिंदगी किस तरह दे हो, लाइक व्हाट्स योर पर्सनैलिटी, थोड़ी किस तरह की है थोड़ा? I would not want to be self-conscious, but I'm very simple. जैसे दिल्ली की लड़कियाँ होती हैं, खाने बहुत होशियार होती हैं। अच्छा, आई नो, आई एम वेरी फ्रेंडली, और ऐसा ये बहुत अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में अभी। अच्छा, धीरे 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 जैसे जैसे आप इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। बट द फैक्ट दैट माई पैशन फॉर दिस इंडस्ट्री, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन एक्टर, एंड आई थिंक वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरी लाइफ का, एंड दैट्स। रिश्ता जी, तुसी कदों रियलाइज किया कि तुसी एक एक्ट्रेस बनना चाहते हो? ऐसा कुछ रियलाइजेशन नहीं हुआ है, गेस के चाइल्डहुड से ही एक इंसान में कीड़ा होता है। हाँ, तो वो हमेशा से ही था, एंड विद टाइम आई गेस जो आप ड्रीम करते हैं, समवेयर इन योर लाइफ आपके सामने आके खड़ा हो जाता है, एंड दैट्स हाउ एक एमटीवी का शो था, एमटीवी आई सुपरस्टार, और वो मैंने जीता, एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज के एक्चुअली आई एम मेड फॉर द इंडस्ट्री एंड आई कैन डू समथिंग इन इट। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਯਾਰਾ ਨਾਲ ਬਾਰਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਮੇ ਥੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੜ ਰਹੀ ਥੀ, ਐਂਡ ਜਸਟ ਆਈ ਜੈਸੇ ਆਪ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਤੇ ਹੈ ਬੰਬੇ ਮੇ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ, ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਗੋਟ ਅ ਕਾਲ ਫਾਰ ਆਡੀਸ਼ਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਗਈ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਰਜੈਂਟ ਨੀਡ ਕਿ ਉਨਕੋ ਲੀਡ ਐਕਟਰਸ ਚਾਹੀਏ ਥੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਫੇਸ ਚਾਹੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਫੇਸ ਚਾਹੀਏ ਥਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਨੀ ਚਾਹੀਏ ਥੀ, ਇਵਨ ਦੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੇਤੀ ਹੂੰ, ਅਭੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਹਾਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਡੀਸ਼ਨ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਗਿਆ ਥਾ, ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਥਾ, ਬਟ ਦੈਨ ਆਈ ਗਾਟ ਸਿਲੈਕਟਡ। ਯੂ ਵਾਂਟ ਫੋਰ ਅ ਲੀਡ ਰੋਲ? ਹਾਂਜੀ। ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੀਤ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ वेरी इजिली रिलेट टू हर, वो बिल्कुल मेरे जैसी है, और क्या क्रेडिट मैं सागर जी एंड द टीम, भरत सर और जो हमारे डायरेक्टर हैं नवीन सर, उन सबको देना चाहती हूँ, बिकॉज आई थिंक उनकी आय बहुत अच्छी है, बिकॉज द कास्टिंग ऑफ द फिल्म इज वेरी परफेक्ट, एंड आई डेफिनेटली फील की ये रोल ये मेरे लिए ही बना था, एंड आई एम वेरी हैप्पी। ये रोल मेरे जिम्मे फिल्म कर रहे हो, उस फिल्म ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬੜੇ ਨਾਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਕੁਲ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਗੈਰੀ ਚਹਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਗਰੇਵਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਊ ਕਮਰ ਕੇ ਲਈ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਿਟਲ ਟਫ, ਨਰਵਸ, ਨਰਵ ਰੈਕਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਗੈਸ ਸਭ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਨਾਈਸ ਪੀਪਲ, ਇਟਸ ਸੱਚ ਐਨ ਹੰਬਲਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੂ ਬੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਦੈਮ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ, ਔਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਭੁੱਲ ਜਾਤੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਆਲ ਦ ਸੇਮ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਕਟਰੈਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਡ੍ਰੀਮ ਰੋਲ ਇੱਕ ਐਕਟਰੈਸ, ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਐਕਟਰੈਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ? आई बिलीव कि हर एक्टर का एक ग्रोथ होता है, एक वो किसी लेवल से स्टार्ट करता है, एंड दे गो ऑन अपने करियर में आगे। अभी मैं जैसे रोज कर रही हूँ, आई थिंक कि वो मुझे कंटेम्पलेट करने में इतने ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही, बट डेफिनेटली मैं ऐसे रोज करना चाहूंगी जो बहुत चैलेंजिंग है, जिनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, जो बहुत सब्सटेंशियली एड करते हैं फिल्म में, एंड फॉर दैट आई रियली एडमायर दिव्या दत्ता जी, एंड आई थिंक जैसे वो, जैसे इवन
विद्या बालन. आई रियली एडमायर दीज टू पीपल और वैसा अगर मुझे काम मिला आई वुड रियली हैप्पी. रोल मॉडल रोल मॉडल विद्या बालन जी दिव्या या आई मीन रोल मॉडल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका काम आप बहुत सराहते हैं और डेफिनेटली मैं विद्या बालन को इन बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत और माधुरी दीक्षित इनको बहुत अहमियत देती हूँ. मुझे लगता है कि बहुत अच्छे एक्टर्स हैं. तो तुम्हारी कोई फेवरेट फिल्म्स या कोई और फेवरेट फिल्म्स? नहीं एक्चुअली उनकी कोई ऐसी फेवरेट फिल्म नहीं है बट मैं बहुत ज्यादा लाइट फिल्में देखना पसंद करती हूँ. आई लाइक टू वॉच मुझे रेस्क्यू फिल्म्स अभी याद नहीं आ रही बट वेरी अच्छा कॉमेडी और रोमांटिक टाइप. That's कोई इस तो बाद अपकमिंग फिल्म जो तुम कर रहे हो इस तो बाद कोई और? अभी कुछ साइन नहीं किया है बट आई एम गोइंग थ्रू यू माइट बी गेटिंग सम स्क्रिप्ट्स ऑफर्स. वो अभी चल रहा है सारा प्रोसेस और अभी मैं इतना बिजी हूँ एक्चुअली अभी सब जलंधर में शूट और सब में इतना बिजी हूँ आई डोंट सो दोस्तों ए सी रिश्ता मोंगा जी जो कि स्पेशली आज साडे स्टूडियो च आए ने चंडीगढ़ जलंधर तो शूट आउट छड़ के इत्थे सानू टाइम दिता इन्होंने. रिश्ता जी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद तुसी पंजाबी मीडिया दे स्टूडियो च आए आपका कीमती टाइम दिता. थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर फिल्म एंड ऑल द वर्क यू डू मे यू गेट सम बिग सक्सेस वन डे. थैंक्स अ लॉट. आई विश द सेम फॉर यू. आप भी बहुत ग्रो करिए. थैंक यू सो मच जी.